हाँ, करामत तो बहुत कुछ है, अभी बयान करके तो फ़ायदा नहीं, मतलब जो मैंने देखा हो बता सकता हूँ। हाँ, जो आपने देखा वो बहुत अल्लाह वाले थे वो, और बहुत कुछ उनकी करामत है, वड़ाला पूरा जानता है उनको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सरफराज अली, ये वसीम शेख, और आज हमारे साथ है मुर्तुजा भाई। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे चैनल शाने वाली करामत औलिया पे। तो नाजिन, आज जो हम आए अंटाफिल के कब्रस्तान में आए, ये कब्रस्तान में दो तीन बड़ी बड़ी बारगाहें हैं, तो हम यहाँ के खादिम साहब से उन बारगाहों के बारे में आपको पता करके बताने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो वीडियो है, ये बारगाहों के तीन से चार बारगाहों के वीडियो आपको बैक टू बैक देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए चलते दरगाह के खादिम साहब से कुछ बात जानकारी इकट्ठा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सरफराज अली, और हम लोग शाने वाली करामत औलिया चैनल की तरफ से आए। तो हमें यहाँ की कुछ जानकारी चाहिए थी, जैसे आप सरकार कहाँ से आए, सरकार का रूस मुबारक कब आता है, और कहाँ से आपने तशरीफ़ लाए। तो आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। और सरकार का नाम? सरकार नाम बशीर कादरी। अच्छा, सरकार ने कहाँ से तशरीफ़ लाए? ये जबलपुर के रहने वाले, ये नूरी मस्जिद वड़ाला मार्केट के अंदर इमाम थे 40 साल, और इनका वफात यहाँ ही हो गया है, और यहाँ इनका ही मज़ार है। अच्छा, और सरकार की कुछ करामत है? हाँ, करामत तो बहुत कुछ है, अभी बयान करके तो फ़ायदा नहीं, मतलब जो मैंने देखा हो बता सकता हूँ। हाँ, जो आपने देखा? बहुत अल्लाह वाले थे वो, और बहुत कुछ इनकी करामत है, वड़ाला पूरा जानता है उनको। अच्छा, तो एक आध करामत आप कुछ बता सकते हो? मैंने जो देखा हो बता सकता हूँ। मैंने पाइचे में से उनका कुछ निकालते हुए देखा हूँ, खिलाते हुए देखा हूँ, और बहुत अल्लाह वाले थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो इनका जो उर्स मुबारक है वो कब होता है? उर्दू की जमल तो 11 तारीख को। तो जो ये उर्स होता है उसमें लंगर आम होता है या? लंगर आम होता है। ये लंगर आम होता है, कितने दिन का होता है? ये एक ही दिन का होता है, 10 चांद की 10 तारीख को गुसल होता है, 11वीं शब, और 11 तारीख 12वीं शब के अंदर उर्स होता है इनका। ये इंग्लिश महीना कौन सा आता है? इंग्लिश महीने से नहीं पकड़ते हम लोग, उर्दू महीने से ही चलते हैं। इंग्लिश महीना यही तारीख है, 25 तारीख को। अच्छा, और ये जो उर्स मुबारक होता है, जैसे अभी बाहर से कुछ नाजरीन आते तो उनको रहना पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वड़ाला मार्केट से और बम्बई के लोग लोकल लोग आते हैं बस। अच्छा, और उनके जो घर वाले आते हैं उन लोग के यही है। अच्छा, तो वो वड़ाला मार्केट के जरिए इंतजाम होता है उनका। अच्छा, अगर किसी को यहाँ आना है तो क्या बोल के यहाँ आ सकता है? इस एरिया का नाम? ये एरिया का नाम है वड़ाला सुन्नी कब्रस्तान, वड़ाला सुन्नी कब्रस्तान एंड ऑफिस। अच्छा, और आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, मैं राज नहीं खोल सकता हूँ इनका। अच्छा, तो जो भी आपने हमें जानकारी दी उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन को भी काफ़ी पसंद आएगी, और बाबा से हमारी भी अर्जी लगाइएगा हमारे चैनल के लिए, हमारे लिए, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। तो नाजिन, ये थी दरगाह ज़ियारत की पूरी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर आपने हमारी औरंगाबाद, खुलदाबाद और गुलबर्गा शरीफ की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।